हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अमरावती अपार्टमेंट बद्दी के निवासियों ने अपनी मांगे पूरी न होने की वजह से बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिल्डर की ओर से मेंटेनेंस चार्ज एकदम से 25% बढ़ा देना, जो कर्मचारी अपार्टमेंट के रखरखाव के लिए नियुक्त किए गए हैं, जैसे प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, उनका उपयोग बिल्डर की ओर से अपने निर्माण कार्य में करना। अपार्टमेंट के अंदर कहीं बिजली की खुली हुई तार पड़ी है, कहीं बिल्डिंग की हालत जर्जर पड़ी हुई है, उनका मरम्मत न होना जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं, जिनके खिलाफ प्रदर्शन कर और आगे हो रहे निर्माण कार्य को शांतिपूर्वक रोका गया। इस दौरान अमरावती वेलफेयर सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि मेंटेनेंस के पैसे से कोई भी काम नहीं हो रहा है। आए दिन निवासियों की ओर से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर यह आक्रोश रैली निकाली गई है। बद्दी से हमारे संवाददाता सतीश जैन की रिपोर्ट। भाई कुमार गिरी, अमरावती वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष। 6 महीने से हम बिल्डर के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जैसे कि रिपेयरिंग का मांग है, यहाँ पे बिल्डिंगें टूट रही हैं, बूम बैरियर लगाना है, बाहर के बहुत उपद्रवी तत्व आते जाते रहते हैं, तो किसी भी बात पे ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और अननेसेसरी 25% इन्होंने मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया है, और वो हर धूल मूल नीति अपनाए हुए हैं, टाल मटोल कि तुम वहाँ चलो पंचकूला मीटिंग करते हैं, हम उनको यहाँ बुलाते हैं, हम लोग काम काज करने वाले लोग हैं तो हम पंचकूला जाते रहेंगे तो हम काम क्या करेंगे। और उस पर से इन्होंने मेंटेनेंस 25% बढ़ाया है, जिससे सारी पब्लिक परेशान है, और पहले से जो मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं उसी मेंटेनेंस चार्ज में हमारा काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब ना के बराबर हो रहा है। बस इन्होंने झाड़ू लगा देनी है, पार्कों की हालत खराब है, बिल्डिंगों की हालत खराब है, कोई रख रखाव नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, इनके आदमियों को फोन करो वो नहीं उठाते, ये खुद जो इनका यहाँ पे मैनेजर साहब है मिस्टर परमजीत बग्गा जी नाम है उनका, परविंदर बग्गा, वो भी शाम को 6 बजे के बाद फोन नहीं उठाते और ना ही किसी चीजों पे अमल करते हैं, उल्टा सीधा पता नहीं क्या सिखाते हैं। बिल्डर इनको सिखाता है, ये उनको सिखाते हैं। यहाँ पे कई 10 साल से सोसाइटी बनी हुई है, एक्सीडेंट हुआ जो दो बिल्डिंग से, बिल्डिंगों में एक बीच में बिल्डिंग से एक कुछ गिर गया, टूट टाट के, एक औरत का सर फट गया, गाड़ी में आग लग गई, फायर की व्यवस्था नहीं है किसी, और उसपे लेबल वोबल भी बराबर कहीं लगे हुए नहीं, दो दो तीन तीन साल पूरा एक्सपायरी सारे फायर के इनके सामान है। और सोसाइटी के काम के लिए जो बंदे हैं वो इनके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी के इन्होंने बंदे रखे जो अमरावती अपार्टमेंट में काम करना चाहिए, इन्होंने नए नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सारे बंदे वही लगे हैं। सुबह सुबह हमने देखा कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई ट्रैक्टर से माल निकाल रहा है, और सारे साफ सफाई से लेके रख रखाव करने वाले सारे दूसरे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। इसमें सबसे पहले यह है कि जितनी भी चीजें हैं चाहे AWS के जो अंतर्गत आती हैं, उसमें क्या है कि जो भी मेंटेनेंस चार्ज है उसका ये कोई भी खुला डाटा नहीं दे रहे हैं AWS को कि क्या आता है कैसे आता है। 7 महीना से सैलरी बाइफर्केशन अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के घरों में सांप निकल रहा है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहा है, बिल्डिंगें टूट के गिर रही है, पीछे गाड़ी में आग लग गया तो फायर की व्यवस्था नहीं थी, जिसके नाते थाने में कंप्लेंट भी हुई इनकी, लेकिन आज तक इन्होंने कोई ना इस पे कार्रवाई करे ना कुछ कर रहे हैं। अभी क्या है, पार्किंग की बहुत बड़ी असुविधा आने वाली है कि इन्होंने बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, इनके बिल्डर भी आए थे जहां पे 8 पार्किंग की व्यवस्था होनी थी, गलती बस इन्होंने 4 की बनाई और उसका कोई निराकरण नहीं है कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा। जहां 8 पार्किंग होनी थी और पार्किंग बेच रहे हैं, उसके बाद में भी कोई मतलब ये नहीं है कि कहां पार्किंग लगानी कहां नहीं। ये आपके पीछे देखिए, ये बिल्डिंग 3 महीने में बन सकती है, ये वाली बिल्डिंग 3 महीने के अंदर उन्होंने खड़ी की है, और अंदर मेंटेनेंस जहां रिपेयरिंग होनी है 6 महीने से पैड लगा के बोलते हैं कि हमारे लेबर मिस्त्री हमारे पास नहीं है, तो जिस तरीके से हम लोग कैसे रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।